आज जैसे जब अमृतसर से चले हैं कार में और यहाँ तक पहुँची हूँ तो मैं पूरे रास्ते एक चीज़ नोट करती हूँ लोगों में बेचैनी बहुत ज़्यादा है बेचैनी इतनी है तो बाएं दाएं कहीं भी कभी भी मुड़ जाते हैं बिना कोई सिग्नल दिए सिग्नल देते नहीं और कभी कभी सिग्नल देंगे दाएं का मुड़ जाते बाएं और कभी बैंक का सिग्नल देते हैं मुड़ जाते हैं दाएं और सबसे बेस्ट चीज़ है कि कभी कभी बीच रोड में खड़े होकर बात कर रहे होते हैं हाँ जी पापा जी की करना है अरे भाई तेरी वजह से सारी ट्रैफिक रुक रही है पर एक बेहोशी है या बेचैनी है या गुस्सा बहुत ज्यादा है तो लड़ने को तैयार बैठे होते हैं खून गर्म है जरा सी बात पर झगड़े और गाली गलौज हो जाती यूँ लगता जैसे प्रेशर कुकर नहीं होता प्रेशर कुकर में आपने दाल चढ़ाई अब जैसे उसमें स्टीम पूरी हुई ना तो सीटी मारता है वो भर गया ना स्टीम से तो सीटी तो मारेगा अब आप चाहे सीटी ना मारे तो क्या करें फिर तो गैस बंद कर बंद करिए आग बंद कर दीजिए प्रेशर कुकर में स्टीम नहीं बनेगा कभी कभी लगता लग है कि लोगों की खोपड़ी एक प्रेशर कुकर हो चुके हैं जिसमें क्रोध की स्टीम बनती रहती है किसी को पिताजी पे गुस्सा है किसी को बेटे पे गुस्सा है पति पत्नी का गुस्सा है कहीं किसी को अपने बास पे गुस्सा है किसी को अपने नौकर पे गुस्सा है किसी को अपने ऊपर गुस्सा है इतना गुस्सा है इतना गुस्सा इसलिए मुझसे गाली बड़ी सहेज निकल जाती है और लड़ाई बड़ी जल्दी करके बैठ जाते हैं एक दूसरे का अपमान बहुत जल्दी जल्दी कर देते हैं अब ये दुख जो मन में भरे हैं ये क्रोध जो मन में भरे है इसका निवारण अगर तुम नहीं करोगे तो याद रखिए आपका गुस्सा सिर्फ आपको नुकसान देता है मैं आपसे पूछती हूं अगर आप जलता हुआ कोयला अपने हाथ में पकड़ लें तो आपका हाथ जलेगा या नहीं बोलो अगर जलता हुआ कोयला हाथ में रखने से हाथ जल जाता है तो क्रोध की अग्नि मन में जलाओगे तो तकलीफ किसको आपको है और याद रहे जब आपके मन में तकलीफ आती आज मैं कुछ प्रिंसिपल्स आपको बताना चाहती हूँ आयुर्वेद के और लगभग लगभग यही एक्यूपंक्चर के चाइनीज एक्यूपंक्चर के भी यही क्योंकि ये भी भारत से ही गई है चाइनीज एक्यूपंक्चर जो है वो गई भारत से ही है भारत के अंदर बहुत से जो भिक्षु बौद्ध भिक्षु रहे हैं वह अपना वहाँ के एम्पर के बादशाह के बुलाने पर वहाँ गए थे बौद्ध धर्म का तो प्रसिद्ध नाम है लेकिन उनके पहले भी बहुत से गए थे और उन्होंने वहां संस्कृत के ग्रंथों को चीनी भाषा में अनुवादित करके बौद्ध भिक्षुओं को जो वहां हुए थे वहां पर उनकी पढ़ाई कराई जाती थी तो बात यह आती है कि जब आप गुस्सा ज्यादा करते हैं हम आपसे पूछू करते हैं या नहीं करते जब आप हा या ना गुस्सा आता है या नहीं मर्जी की बात हो गुस्सा आता है या नहीं पति को कहा गा घर आजा बाजार जाना वो नहीं आया गुस्सा आएगा कि नहीं आपने किसी को खाना ये पका दो उसने जला दिया कच्चा रख दिया खाने पर गुस्सा आएगा कि नहीं आपने बेटे को बुलाया उसने वापस फ़ोन नहीं किया बताया नहीं तो गुस्सा आएगा कि नहीं मेरी मर्ज़ी की चीज़ नहीं हो तो गुस्सा आता है लोग कहते लो आएंगे नहीं किसको नहीं आएगा सबको आएगा ऐसे हम जस्टिफाई कर लेते हैं लेकिन आयुर्वेद ये कहता है जब आप क्रोध करते हैं तो उससे आपका लीवर डैमेज होता है यकृत हिंदी में जिसे यकृत कहते आपका लीवर डैमेज होता है अगर आप गुस्सा खाते रहते हैं। अगर आप बहुत उदास रहते हैं कई कई लोग ऐसे हैं ना बारिश नहीं हुई तो उदास हैं, बारिश हो गई तो फिल्मी उदासी के गाने सुन के और उदास हैं सर्दी आ गई तो कह है रातें कितनी लंबी हो गई है बड़ी उदासी है और गर्मी आ जाए तो फिर वो गर्मी में भी उदास हैं। कोई बाहर ही नहीं निकलता सब कूलर चला के घर में बैठे रहते हैं। मिले हम किसको? ये जो बात बात पर लोग उदास हो जाते हैं उनका लंग्स डैमेज होगा लंग्स की फेफड़ों की जो श्वसन की क्रिया है वो कमज़ोर पड़ने लग जाती है और ऐसे ही लोगों को समय पा करके अस्थमा मैंने दमा ये इनको या उनके बहुत लंबा टाइम अगर ऐसा चलता रह गया और उनका खाना पीना गलत है रात ठीक से सोते अगर वो नहीं है तो फिर फाइब्रोसिस लंग्स फाइब्रोसिस की तकलीफ भी हो सकती है मैं आज ही दोपहर में एक रिपोर्ट पढ़ रही थी एक लंबी रिसर्च की गई थी कोई लगभग 2000 लोगों के ऊपर और ये पाया गया कि जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं आजकल बहुत कॉमन हो गया है कॉल सेंटर्स से है कंपनियां बाहर हैं ऑफिस उनके यहाँ हैं तो रात के जो ऑफिस चलते हैं तो आपकी सर्करियन रिदम को खराब कर देते सर्कैरियन रिदम मतलब जो हमको नींद ला के देते हैं जो हमारी नींद तोड़ते हैं हमारे शरीर में सारे फंक्शंस जो है वो निर्भर करते हैं जब आप ठीक सोते हैं तब हमारा शरीर ठीक काम करता है पर अगर आप रात को जाग रहे हैं और दिन को सो रहे हैं तो सर्केडियन रिदम खराब होगी जब सर्केडियन रिदम खराब हो जाएगी तो नींद ना आने की तकलीफ हारमोन्स बिगड़ जाने की तकलीफ पी सी ओस पी सी ओ एस पी सी ओ डी हो जाने की तकलीफ और ऐसा भी पाया गया है कि कैंसर होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी ये सर्कियन रिदम का बिगड़ना जिसकी वजह से हार्मोन्स बिगड़ते हैं तो वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लेके आते हैं जिसकी वजह से वो कहते हैं ट्यूमर या कैंसर होता है और जब आप बहुत ज्यादा चिंता करते रहते चिंता करते रहते कल क्या होगा बच्चों का क्या होगा हम रिटायर होंगे तो क्या होगा कई लोग तो ऐसे हैं और कुछ नहीं तो तो यही सोच सोच के फिक्रों में चले जाते हैं देश का क्या होगा मैंने घर की तो फिक्र है ही है अब हम पूरे देश की भी चिंता करेंगे और वो फिर ऐसी ऐसी बातें करेंगे कई बार जब लोग मेरे सामने शुरू हो जाते हैं ना देश में ये नहीं ये होना चाहिए ये नहीं ये होना चाहिए मैं क्या अगली बार मोदी जी मिलेंगे ना मैं उन्हें कह दूंगी और नहीं तो तुम मिल लेना तुम मिल के कह देना ऐसे नहीं ऐसे करो मैं भाई कोई कौन तुमसे पूछ रहा है तुम काहे मरे जा रहे हो क्यों चिंता आदत हो गई चिंता 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 जब आप चिंता अधिक करते हैं तो यह आपके हृदय की फंक्शनिंग को हार्ट डिजीज कार्डिक लेके आता है आपका हृदय क्या है एक्चुअल में मांसपेशी है ये मांसपेशी है जैसे आप अच्छी एक्सरसाइज करते हैं तो मांसपेशियां मजबूत होती हैं नहीं करते हैं तो वो सिकुड़ती है और वो तकलीफ़ देती हैं इसी तरह जब आप चिंता ज़्यादा करते हैं तो आपका पेरिकार्डियम वीक होने लग जाता है पेरिकार्डियम मतलब हृदय का जो बाहरी जो स्ट्रक्चर होता है सरफेस जो होता है वहाँ पर कमज़ोरी आने लग जाती है और फिर हम लोगों का खाना पीना तो बहुत ही गड़बड़ होता है तो एडिक टू दैट ये फिर कार्डियक बीमारियाँ हृदय के रोगों की जो जननी हो जाती है इसलिए मैं वापिस इस विषय पे आती हूँ जब तुम क्रोध करते हो तो आपका क्या नुकसान हो रहा है आपका लीवर खराब होता है अब श्रीमान जी अगली बार गुस्सा खाने से पहले आपके ये दाई पसली के नीचे है ना लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन है यहाँ एक बार हाथ रख लेना और अपने आप को याद करा लेना कि यकृत भैया मैं तुम्हें भी नहीं लीवर को खराब नहीं करूंगा मैं मैं क्रोध नहीं करूंगा अब आप कहोगे कि हम हम इतना बोलेंगे तो क्रोध चला जाएगा यकीन मानिए ये विचार आते ही कि मैं क्रोध करके अपने शरीर का नुकसान नहीं करूंगा ये विचार आते ही आपके क्रोध का वेग जो है वो पहले से ही नीचे आने लग जाएगा और एक आपको बहुत कीमती यौगिक टिप देती हूँ कि उस समय पर आप एक गहरा श्वास भरिए और दुगना डबल मात्रा में श्वास को बाहर छोड़ दीजिए तो एक लंबा श्वास भरा और दुगनी लंबाई में मतलब धीरे 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 श्वास जो है वह आप बाहर छोड़ दीजिए फिर श्वास भरिए फिर छोड़िए फिर श्वास भरिए फिर छोड़िए शुरू शुरू में हो सकता है पंद्रह मिनट भी लग जाए फिर धीरे धीरे हो सकता है दस ही में काम हो जाए फिर हो सकता है धीरे धीरे पाँच ही मिनट में काम हो जाए और फिर धीरे धीरे ये हो सकता है कि मात्र ये विचार कि क्रोध से मेरा नुकसान हो रहा है आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका विचार इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि तुरंत आपकी वो जो क्रोध की लहर उठी होगी ना वो नीचे चली जाएगी क्योंकि जब मेरा नुकसान है जो कोयला हाथ में मैं पकडूंगा तो मेरा हाथ जलता है इसे क्रोध अगर मैं अपने मन में करता हूँ तो मेरा मन जलता है मेरे मन को कष्ट होता है और शरीर में जो हमारा यकृत है ये खराब होता है और लीवर ऐसा छुपा हुआ प्राणी है कि इसका खराब होने का तो पता भी नहीं चलता है बंदे को लगता मुझे इंडाइजेशन है पचना थोड़ा दिक्कत में है बनने को लगता है थोड़ी गैस ज़्यादा हो रही है बनने को लगता है शायद थोड़ा कब्ज़ रह रही ऐसे ही तो चलो ये चूरन खा लो वो चूरण खा लो ये नहीं पता होता कि उसका लीवर फैटी हो रहा है उसमें वसा चर्बी जो है वो इतनी जमती जाती है कि एक समय के बाद जा करके वो लीवर के जो हेपेटिक सेल्स होते हैं वो बिल्कुल जाम होने लग जाते हैं इसलिए अपने लीवर की जिम्मेदारी आपके सिर पे है वो किसी और के सिर पर नहीं तो सामने वाला दुनिया भर का उल्टा काम चाहे कर रहा हो तुमने अपने आप को याद कराना है मैंने मेरा लीवर नहीं बिगाड़ना है हाँ तो उस जगह से थोड़ी देर दूर चले जाइए बाग में चले जाए घर की छत में चले जाए ऑफिस में हो तो बाहर चले जाए जस्ट आउट ऑफ दैट प्लेस और अपने श्वास के ऊपर थोड़ा सा कार्य करिए श्वास पर कार्य करने के लिए आपको याद रखना होगा ना पहले कि श्वास ठीक से लेना ही कैसे है अगर आप श्वास ठीक से नहीं लेते हैं और ये अभ्यास रोज नहीं करते हैं तब आप ये मेरी बताई हुई टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे